विवो प्रो कबड्डी 2018 का तीसरा मैच होने वाला है जोन ए के पुणे रिपल्टन और हरियाणा स्टीलर्स के बीच 8 अक्टूबर रात 8 बजे जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में। और इस वीडियो में हम आपको प्रीव्यू देंगे इसी मैच का, छुएंगे हर एक पहलू, बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए खेलते हैं कबड्डी। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे हेड टू हेड की। तो तीन मैचेस का हेड टू हेड रहा पुणे वर्सेस हरियाणा का, जहाँ पे पुणे ने दो मैचेस जीते हैं और हरियाणा ने एक। अब हम बात करेंगे स्टार्टिंग सेवन की। तो दोस्तों ये है हरियाणा की पहली मैच, और पहले मैच में हरियाणा अपने स्टार्टिंग सेवन ला सकती है। सेंटर में मोनू, कवर पे सचिन शिंगाड़े और राइट कवर पे कुलदीप सिंह, लेफ्ट इन पे विकास खंडोला, राइट इन पे वजीर सिंह, लेफ्ट कॉर्नर पे सुरेंद्र नाड़ा, राइट कॉर्नर पे विकास, जो कि एक यंग प्लेयर है इस बार। और दोस्तों पुणे रिपल्टन लाने वाली है अपनी सेंटर में राजेश मोंडल, लेफ्ट कवर पे विनोद कुमार, राइट कवर पे रवि कुमार, लेफ्ट इन पे दीपक दहिया, राइट इन पे नितिन तोमर, लेफ्ट कॉर्नर पे गिरीश, राइट कॉर्नर पे संदीप। तो दोस्तों सेम स्टार्टिंग सेवन इस वीडियो में हम लोगों ने रखी है, बिकॉज अगर पुणे की मैच हुई और पुणे जीतता है तो यही स्टार्टिंग सेवन रहेगी बरकरार, और नहीं तो थोड़े बहुत एक दो रेडर के चेंजेस हो सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अब हम बात करेंगे प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल की। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों टीमों के बीच प्लेयर वर्सेस प्लेयर का बैटल कुछ खास तो नहीं है, लेकिन दोस्तों देखना दिलचस्प होगा कि यंग विकास के सामने नितिन तोमर जब रेड करेंगे तब विकास किस तरीके से नितिन को डॉच करेंगे, टैकल करेंगे, और किस तरीके से उनको बोनस लाइन या टच पॉइंट लेने से खुद को बचाएंगे। तो दोस्तों विकास जो कि मोहित चिल्लर के जगह पे इस बार खेलेंगे, पिछले बार उनको दो एक बार चांस मिला था और उन्होंने बखूबी खुद को साबित किया भी था दोस्तों। तो यहाँ पे एक बैटल नितिन तोमर और यंग विकास के अंदर में देखना दिलचस्प रहेगा। फिर दोस्तों जो एक बहुत ही मज़ेदार बैटल होने वाला है वो है मोनू गोयट और गिरीश मारुति और नैक के बीच, जहाँ पे मोनू गोयट ने बाजी मारी है लगभग हर बार, तो गिरीश मारुति अर्नाक किस तरह से इस बार उनको रोक सकते हैं ये देखना दिलचस्प रहेगा। तो दोस्तों ये थे बस प्लेयर वर्सेस प्लेयर बैटल। अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की। तो दोस्तों पुणे रिपल्टन की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है उनके कॉर्नर्स, जिनका कोऑर्डिनेशन बहुत ही अच्छा है, जिनके अंदर जो सूझबूझ तालमेल है बहुत ही अच्छा है। और दोस्तों इनकी जो एक वीकनेस है वो है एक ही श्योर शॉट रेडर है जिसका नाम है नितिन तोमर, उसके अलावा कोई भी धमाकेदार तगड़ेदार श्योर शॉट बहुत बड़ा पहलवान रेडर नहीं है। अब हम बात करेंगे हरियाणा स्टीलर्स की स्ट्रेंथ के बारे में। तो दोस्तों इनकी रेडिंग प्लस डिफेंडिंग दोनों ही ऑसम है। रेडिंग में इनके पास है तीन स्टार रेडर्स, मोनू गोयट, विकास कंडोला और वजीर सिंह धूल। हाँ दोस्तों तीनों ही स्टार रेडर्स है, और इनके पास बहुत ही अच्छे कॉर्नर्स है जो कि सुरेंद्र नाड़ा है और विकास जो कि यंग प्लेयर है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से लोग कह रहे हैं कि मोहित चिल्लर और सुरेंद्र नाड़ा की जोड़ी टूटने के बाद यहाँ पे हरियाणा स्टीलर्स की डिफेंस हो सकती है कमज़ोर। हाँ दोस्तों कुछ हद तक बात सही है, थोड़ी बहुत कमज़ोर हो सकती है, लेकिन विकास भी बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और सुरेंद्र नाड़ा को हम सभी जानते हैं वो एक लिहाज से वन मैन आर्मी भी कहलाते हैं, अगर एंकल पकड़ ले तो अकेले ही टैकल कर जाते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे वीकनेस वही बात, मोहित का ना होना टीम में। हाँ दोस्तों मोहित और सुरेंद्र का जो मतलब कॉम्बिनेशन है वो वर्ल्ड में नंबर वन माना जाता है, और यहाँ पे मोहित नहीं है तो थोड़ा रिस्क और थोड़ा डर लगना लाजमी है। अब बात करेंगे दोस्तों ग्रुप प्रेडिक्शन की। तो दोस्तों हरियाणा स्टीलर्स जीतने के चांसेस है 65%, पुणे रिपल्टन जीतने के चांसेस है 35%। क्यों दोस्तों? क्योंकि हरियाणा के रेडिंग डिपार्टमेंट और डिफेंडिंग डिपार्टमेंट दोनों बहुत ही ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको बैलेंस है, और इनके पास यंग प्लेयर्स में बहुत ही अच्छे अच्छे ऑप्शंस भी है। और दोस्तों अब बात करते हैं योर पिक। हाँ दोस्तों आप खुद चुन सकते हो अपना विनर आई बटन पे क्लिक करके। तो आई बटन पे क्लिक करके वोट दीजिए अपने फेवरेट टीम को, और अगर कोई भी टीम आपको उतनी भांति नहीं है तो आप सोच विचार करके दीजिएगा, टाई का भी ऑप्शन है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे मैच 4 के प्रीव्यू वीडियो में। किसी को मोटिवेट करना है वीडियो लाइक करो, सवाल पूछना है कमेंट फेंको,
और कबड्डी के अपडेट्स पाते रहना है, चैनल सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बजाओ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय कबड्डी।